पंजाब के पावन धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ जो खूनी खेल खेलने की नापाक कोशिश की गई, वो सचमुच में भारतवर्ष के इतिहास में एक बहुत ही कलंक का धब्बा है। मैं इस घटना की अपने कल्याणम परिवार की तरफ से बहुत बहुत भर्त्सना करता हूं। सचमुच में आज इस घटना ने यह दिखा दिया कि व्यक्ति कितना किस स्तर पे गिर सकता है। आज जिस तरह से कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी जी इस घटना को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी कॉन्फ्रेंस से झलक रहा था कि उनकी मनसा क्या थी। आप जिस तरह से कह रहे हो कि अचानक हो गया, अचानक रोड से जाने की बात हो गई, अरे आप मुख्यमंत्री हो, अगर कोई बात होती है और देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना, आप जानते हो देश का अपमान है। सचमुच में इस घटना को देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और आपके इस कुकृत्य का निश्चित रूप से जवाब देगी। सचमुच में जरा सोचिए कि 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री रोड पे खड़े हैं और उनके साथ कभी भी हमला हो सकता है। इस तरह की बात क्या आप सोच सकते हैं कि छोटी मोटी घटना है? ये बहुत बड़ी घटना है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे में देश की कांग्रेस पार्टी जो इस घटना की पूरी तरह से जिम्मेदार है, चन्नी तो एक मोहरा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस तरह की घटना के द्वारा कोई बड़ी साजिश रची जा रही हो? कांग्रेस को देशवासियों को बताना पड़ेगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और माफी मांग लेने से, कोरोना का दलील दे करके इस इतनी बड़ी घटना को आप अगर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो देशवासी आपको इससे छोड़ेंगे नहीं। आपको जवाब देना पड़ेगा और आपको इस घटना के लिए सरेआम देश के सामने माफी मांगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।